नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 16 एम्पेयर का डबल कंबाइन इसकी वायरिंग करने वाले हैं। अभी हम पहले क्या करेंगे, स्विच और सॉकेट को कनेक्ट कर लेंगे। पहला स्विच और सॉकेट कनेक्ट कर लिया, अभी दूसरा स्विच और सॉकेट कनेक्ट कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, दोनों स्विच को फेज दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से फेज देना है। बाद में हमें सॉकेट को न्यूट्रल दे देंगे इस तरह से। अभी इस तरह से हम बोर्ड की वायरिंग कर देंगे। पहले हमें क्या करना है, दोनों स्विच को फेज दे देनी है। इस तरीके से आपको स्विच को कनेक्ट करना है। अभी फेज कनेक्ट होने के बाद में हमें दोनों सॉकेट के दोनों पॉइंट को न्यूट्रल दे देनी है। जिस बोर्ड की हम अभी वायरिंग कर रहे हैं वो जो हेवी यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे गीज़र, मोटर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ओवन, इन सारी चीज़ों के लिए इस बोर्ड का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से हमने अभी न्यूट्रल कनेक्ट कर दी है। अभी सॉकेट को न्यूट्रल देने के बाद हमें स्विच से सॉकेट को फेज दे देनी है। देखिए, इस तरीके से हमें फेज देनी है स्विच से सॉकेट को। देखिए, पहला स्विच सॉकेट से कनेक्ट कर दिया हमने। अभी दूसरे स्विच से सॉकेट को हम फेज दे देंगे। इस तरीके से स्विच से सॉकेट को फेज देनी है। अभी हमें अर्थिंग कनेक्ट करनी है। जो सॉकेट के दो ऊपर के कनेक्टर जो बचे हुए हैं उसको हम अर्थिंग कनेक्ट करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो आपके लिए ला सकें। अभी अर्थिंग कनेक्ट होने के बाद हम बोर्ड की टेस्टिंग करने वाले हैं। हमने अर्थिंग कनेक्ट कर दिए, अभी हम बोर्ड की टेस्टिंग करेंगे।